चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही 7 करोड़ युवा है। पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव से जुड़ी जरूरी अपडेट्स के साथ द वायर इलेक्शन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मणिपुर विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पिछली बार चुनाव जीतने वाले विधायक पी शरद चंद्र ने सोमवार को कांग्रेस का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। उनके साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन बीरेन और एन जॉय कुमार ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। बीजेपी ने चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करते वक्त दावा किया था कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन हालात कुछ और नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के घमासान में 2 फरवरी से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती की एंट्री होने जा रही है। मायावती ने आगरा में रैली की, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिमी यूपी में रैली करते नजर आए। साथ ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के चीफ जयंत चौधरी ने एक साथ रथ यात्रा निकाली। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बल की 115 कंपनियां तैनात होंगी। इसके साथ ही 10,000 से अधिक पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात रहेंगे। बता दें कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए 632 प्रत्याशी चुनाव मैदान में रह गए हैं। नामांकन वापसी के दिन सोमवार को राज्य भर में कुल 95 दावेदारों ने अपने नामांकन वापस लिए, जिसके बाद अब 70 सीटों के लिए कुल 632 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा। विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने राज्य में 21 जनवरी से नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू की थी। 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख, जबकि सोमवार 31 जनवरी का दिन नाम वापसी के लिए तय था। उत्तर प्रदेश के जेवर से सपा आरएलडी उम्मीदवार अवतार सिंह भड़ाना, जो पहले भाजपा में रहे हैं, उनके चुनाव प्रचार में नोट उड़ते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1 फरवरी को बहुप्रतीक्षित लखनऊ की सभी सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाजपा केंद्रीय कार्यालय की ओर से देर शाम 17 प्रत्याशियों की सूची जारी की गई। लखनऊ पूर्व से आशुतोष टंडन गोपाल और लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक को चुनाव मैदान में उतारा गया है। योगी सरकार में राज्य मंत्री स्वाति सिंह की जगह सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह को भी टिकट नहीं दिया गया है। मणिपुर में 2017 में विधानसभा की 4 सीटें जीतने वाले क्षेत्रीय दल नागा पीपल्स फ्रंट ने, यानी एनपीएफ ने सोमवार को कहा कि वह इस बार 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। शिवसेना ने भी राज्य की 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। एनपीएफ ने एक बयान में कहा कि उसके प्रत्याशी उन 10 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ेंगे जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी श्रेणी के लिए आरक्षित है। मणिपुर में 20 एसटी निर्वाचन क्षेत्र हैं और सभी पहाड़ियों पर स्थित हैं। अधिकांश नागा जनसंख्या भी पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है। गोवा में पहली बार विधानसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही बीजेपी ने कैथोलिक समुदाय से 12, या दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 30% उम्मीदवार उतारे हैं। 10 साल पहले 2012 के चुनाव में जब सभी 6 कैथोलिक उम्मीदवार विजयी हुए थे तो यह संख्या उससे दोगुनी है। मुरारी शेट्टी की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में पार्टी के 3.5 लाख सदस्य हैं, जिनमें से 18% कैथोलिक हैं, जबकि गोवा की आबादी में हिंदुओं की संख्या 66% से अधिक है। राज्य में लगभग 25% ईसाई और 8% मुस्लिम हैं। गोवा विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सबसे लंबे समय तक विधायक और पूर्व सीएम रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह राणे ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। राणे ने कहा है कि चुनाव न लड़ने का निर्णय उनका निजी फैसला है और अब वह रिटायर हो रहे हैं। कांग्रेस ने 20 फरवरी को होने जा रहे पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को 8 उम्मीदवारों की अपनी तीसरी और अंतिम सूची जारी की है। पार्टी ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को 2 सीटों भदौड़ आरक्षित और चमकौर साहिब से उम्मीदवार बनाया है और 3 मौजूदा विधायकों की जगह किसी और को उम्मीदवार बनाया है। पंजाब के जालंधर वेस्ट से आप प्रत्याशी शीतल ने साडा चन्नी लिखे कपड़ों से भरे 3 ट्रक पकड़े हैं। उनकी सूचना पर चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची और सारे सामान को अपने कब्जे में ले लिया।
आपका आरोप है यानी आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने ये कपड़े मंगवाए थे। उधर आयोग का कहना है कि सारे मामले की पड़ताल कर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बुलेटिन में अब बारी है चुनाव से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स की। द वायर के सभी रिपोर्टर्स ग्राउंड पर मौजूद हैं ताकि आप तक जमीनी सच्चाई पहुंच सके। द वायर की रिपोर्टर सुमेधा पाल ने आगरा के सिरौली गांव पहुंचकर वहां के लोगों से बात की। ये चारों तरफ पानी भरा है, गंदगी है, डेंगू है, यहाँ बहुत सारी परेशानी है और 30 साल से तो हमें हो गई देखते देखते, मगर यहाँ कोई सुधार नहीं है। कितनी भी सरकार आ गई जाएगी और इनका भी शासन चला, ये झूठी सरकार है। यहाँ पे दलित लोग सबसे ज्यादा, दलित और मुस्लिम, इसलिए यहाँ पे कोई विकास का नामो निशान नहीं है। क्योंकि दलित है इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा। दलित क्या वोट नहीं देते, मुसलमान क्या वोट नहीं देते, इनको टैक्स नहीं देते, महंगाई नहीं बर्दाश्त करते, क्या नहीं करते हैं। अगर यहाँ पंडित होते, ठाकुर होते, ऊंची कास्ट होती तो हो सकता है मुझे 5 साल पहले विकास हो जाता इसका। आए दिन इन गड्ढों में जानवर, कुत्ते, बच्चे, बुजुर्ग इस पानी में गिरते हैं, चोटिल होते हैं, लेकिन आज तक किसी ने हमारी किसी ने सुध नहीं ली। देखो ये हालत है यहाँ की, क्या करें, मजबूरी है, ये हालत हो रही है यहाँ पे। बच्चे गिरते हैं, जानवर गिरते हैं, बुजुर्ग गिरते हैं। इस वजह से हमने जाकर के भाई ये अब ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, हम इनको वोट नहीं देंगे। क्योंकि जब हम इनको वोट देते हैं, वोट दे करके दिल्ली लखनऊ हम इनको भेज देते हैं और ये हमारे क्षेत्र की समस्याओं को नहीं उठा पाते हैं, हमारे ये नाले नहीं बनवा पा रहे हैं, तो फिर ये क्या बनवा पाएंगे। ये कैसा स्वच्छ भारत है, ये कैसी आगरा स्मार्ट सिटी है, ये हमारे बीच से हमारे बच्चे जा रहे हैं, डेंगू के कारण हमारे बच्चे चले गए, जबकि कोरोना में एक आदमी नहीं गया हमारा। हम तो दुर्भाग्य की कहेंगे, थूकते हैं हम ऐसी सरकार पे। हमको नहीं चाहिए ऐसी सरकार बिल्कुल भी। हमें जनता का विकास चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए। मैं आज खड़ी हूँ सिरौली गांव में, ये आगरा क्षेत्र में ये गांव आता है। सिरौली, अजीजपुर और धनौली इलाके, जैसे कि आप मेरे पीछे ये पानी देख रहे हैं, ऐसा 15 किलोमीटर का ये पूरा इलाका है। 60,000 से 70,000 से ज़्यादा यहाँ पर आबादी है और लोगों के घर हैं। और ये जो इलाका आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इतना ही नहीं है, पूरे 15 किलोमीटर के इलाके में लोगों के घरों के आगे पानी और कूड़ा जमा हुआ हुआ है। उसके खिलाफ ये लोग पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं और इसी आंदोलन में एक महिला की मौत भी हो चुकी है। यहाँ पर लोग जूझ रहे हैं, अपील्स कर रहे हैं सरकार से, वो सरकार जो विकास की बात करती है, जो इंडिया को एक ग्लोबल लीडर दिखाने की बात करती है। आज ये रियलिटी है उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर सरकार विकास की बात कर रही है, वहीं लोग अपने अपने घरों के आगे से ये कूड़ा और ये पानी उठवाने के लिए पिछले 4 महीनों से मशक्कत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आज हम उनसे बात कर रहे हैं, इस इलाके में हम घूम रहे हैं ये जानने के लिए कि क्या उनकी तकलीफें हैं, कि किस तरह से वो जूझ रहे हैं। आइए देखिए द वायर की ग्राउंड रिपोर्ट की इस कड़ी में अगली रिपोर्ट मेरी यानी मुकुल सिंह चौहान की है। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा विधानसभा के अम्बेडकर सिटी की महिलाओं ने हमें बताया कि 6 बजे के बाद कॉलोनी से लड़कियां बाहर नहीं निकलती। आज तक इवन जिसको हमने जिताया है वो हम शक्ल नहीं जानते उनकी। पानी, लाइट नहीं है, पहले वक्त तो 2-3 दिन में लाइट नहीं आते है, अंधेरे में रहना पड़ते है और ऊपर से जब बारिश होते बहुत कीचड़ होती है। 3 महीना धरना भी धरा जाके तो कहा लाइट आएगी तो भी नहीं लाइट आई है। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए सडनली, अगर डिलीवरी कुछ करवानी हो तो यहाँ कोई पास में हॉस्पिटल भी नहीं। सबका साथ सबका विकास नारा जरूर रहा, लेकिन साथ सबका विकास सिर्फ अपना हुआ। और बारिश हो जाए इवन बच्चे को स्कूल नहीं भेज सकते आप, एग्जाम हो तो छुट्टी करो, कि आप सड़कें देख रहे हो, नालियाँ देख रहे हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं। बच्चियाँ जब कॉलेज से आती हैं अंधेरा हो जाता है तो माओं को डर हो जाता है, हमारी बच्ची आज से पहुँच रही है घर पे या नहीं पहुँच पा रही। सोलर पे रीडिंग आ रही है, अब इंसान खाएगा कि बिल ही भरेगा। यहाँ इस कॉलोनी की लड़कियाँ 6 बजे के बाद कॉलोनी में आ नहीं सकती, क्यों? क्योंकि लाइट्स नहीं, लाइट नहीं है, लड़की आएगी कैसे, इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपके घरों की रजिस्ट्री हुई है लेकिन आपके बिजली के कनेक्शन नहीं दिए हैं और आपको प्रति यूनिट 16 रुपए चुकाने पड़ते हैं बिजली के हर महीने। सरकार ने तो कह दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
लेकिन सरकार ने किया कुछ भी नहीं है, क्या किया है? सरकार ने सिर्फ ये किया है, सरकार ने सिर्फ ये किया, अपना नाम किया है, सरकार ने अपना पैसा कमाया है और अपनी जेब भरी है। नमस्कार, मैं मुकुल सिंह चौहान। द वायर की चुनाव यात्रा इस समय मौजूद है नोएडा में। अभी हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 123 अंबेडकर सिटी में। यहाँ हम लोगों से उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करने आए हैं। यहाँ की एक समस्या जो हमारे सामने बहुत दिनों से आ रही थी वो ये है कि यहाँ बिजली की समस्या है, जिसकी चर्चा कई सारे प्रत्याशी कर रहे हैं, और ये समस्या आज की नहीं है, कई सालों से समस्या है। हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ और क्या चुनावी मुद्दे हैं। हमारे साथ यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव में, इस विधानसभा चुनाव में किस प्रत्याशी पर वो यकीन दिखा रहे हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं जो उनका जिनका वो सामना कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम इनसे बात करेंगे। पूरी रिपोर्ट देखने के लिए दोनों रिपोर्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हैं। चुनाव से जुड़े तमाम ज़रूरी अपडेट्स हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ हम आप तक द वायर द्वारा लिए जा रहे इंटरव्यूज़ और ग्राउंड रिपोर्ट्स भी पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए द वायर के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुनाव बहुत करीब है, चुनाव अब दूर नहीं बचा। उत्तर प्रदेश में ही get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button.